लो जी, पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के खिलाफ क्यों हारा, उसकी वजह पता चल गई। खिलाड़ी चेयरमैन पीसीबी के सामने रो पड़े कि जो आप लोग हमें दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते हो, उससे बुरा असर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हम फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लो जी, ये थी सारी कहानी। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो ये जीत नहीं पा रहे थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो जीरो यानी कि अंडे खाए जा रहे थे, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि इनको लीग्स खेलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और अब अगर हमें इजाजत मिल जाए लीग्स खेलने की, पैसे बनाने की, तो फिर देखिएगा हमारा मेंटल लेवल ओके कैसे होता है और फिर देखना हम जीतते कैसे हैं। तो भैया एक छोटा सा सवाल है कि ये जो प्लेयर्स चाचा पापा कर रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, पिछले 5 सालों में 6 सालों में कितने को वर्ल्ड कप जीते हैं पाकिस्तान के लिए? ये तो पाबंदी लगी है ना पिछले 1 साल से कि 1 साल से आपको लीग खेलने की इजाजत नहीं देगी है। उससे पहले कौन से पहाड़ उठाए फिर रहे थे आप लोग? क्या कर लिया था आप लोगों ने? और अब ये मगरमच्छ के आंसू, वो ये इनका वही हिसाब है कि भैया ये वो बीवियां ही हैं कि आ जाके गलती आपकी है, हमारी गलती नहीं है। कि भैया चेक कर लो कि एक से बढ़कर एक गंदी परफॉर्मेंस दी है। अमेरिका से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं हम, उसके बाद बांग्लादेश से तारीख में पहली दफा हम अपने होम ग्राउंड पर उनसे सीरीज हार जाते हैं, और फिर भी कसूरवार कौन है? पीसीबी है। पीसीबी ने लीग खेलने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से उनके माइंड में प्रेशर बना, वो सोचते रह गए कि ये हमारे साथ जुल्म किया है, ये हमारे साथ ऐसे किया है, और फिर जाकर वो हार जाते हैं। क्या खूबसूरत लोग हैं ये, क्या क्या लाजवाब लोग हैं। दिल तो करता है कि अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट हो इस पूरी टीम को, कह के भैया बैठ करना, आप सोचते रहो, जो मेंटल इश्यूज तुम लोगों के चल रहे हैं उनको चलने दो, हम पाकिस्तान की टीम अलहदा से चला लेंगे। लेकिन हाय अफसोस, पाकिस्तानी टीम के पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हमने बनने ही नहीं दी, हमने पैदा ही नहीं होने दी, हमने इन्हीं वो चले हुए कारतूसों को लेकर हम चलते रहे, इन्हीं को देखकर हम चलते रहे, इन्हीं को हम अपने कंधों पर, अपने आंखों पर बैठाते रहे। हमने किसी और को पैदा ही नहीं होने दिया, किसी और की हौसला अफजाई ही नहीं की, तो कैसे कोई और रिप्लेसमेंट पैदा होती? आपने नाफे के बारे में सवाल पूछा, आपको लगा था ना कि यार वो एक अच्छा बैटर, स्टाइलिश बैटर है, वो आएगा। आपने पूछा, आपने हुसैन के बारे में पूछा, आपने किसी और प्लेयर जो भी आप उठा लो, आपने कभी किसी के बारे में सवाल पूछा? आप हमेशा यही पूछते हो ना कि शाहीन बड़ा, रिजवान बड़ा, बाबर बड़ा, फलाना बड़ा, चाचू बड़ा, चाचू के काम बड़े, चाचू के छक्के बड़े। आसफ अली की कोई आवाज़ बना? नहीं बना। हम ही बार बार कहते रहे कि भैया आसफ अली को ही टीम का हिस्सा बना लो। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इनको चाहिए पैसा। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें चाहिए पैसा, हमें खेलने दो, हमें पैसे कमाने दो, पाकिस्तान जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ी खेलते हैं। हमें तो टेंशन क्रिएट होती है हमारे माइंड से जब हमारा पैसा रुकता है। अगर पैसा आता रहे तो टेंशन काहे की, फिर हम टेंशन फ्री होकर खेलेंगे, फिर हम जीत जाएंगे, भला किससे? आयरलैंड से। ना ना, इंडिया का सोचना नहीं। आपके लोगों के जेहन में आया होगा कि इंडिया, ना ना ना, वो नहीं सोचना। हम फिर जीतेंगे आयरलैंड से, फिर जीतेंगे हम बांग्लादेश से, अगर हमारे पैसे आए तो। खूबसूरत टीम, खूबसूरत लोग, और अफसोस है हम पर।